चलिए बच्चों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर्किट किट के बारे में, कैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करा जाता है और क्या क्या इक्विपमेंट यूज करे जाते हैं किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बच्चों, किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास होना चाहिए वायर, फिर होनी चाहिए बैटरी, बैटरी के बाद हमने लिया है एक बल्ब, रजिस्टर होना चाहिए एंड स्विच। ये तो बच्चों मेन कंपोनेंट है किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए। और भी होते हैं, जैसे कि फ्यूज वायर हो गया, डॉलर बेल हो गया, पेपर क्लिप हो गई, कॉइन हो गया। इन सबको मैं आपको बताऊंगा सर्किट में यूज करके ये कैसे यूज हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बेसिक सा सर्किट डिजाइन करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा एक लाइट बल्ब, मैं इस लाइट बल्ब को आपको ग्लो करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वायर एंड स्विच। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करा, वायर का कनेक्शन किया बल्ब से, ये हो गया हमारा वायर। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें एक और वायर जिसको हम बल्ब के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। फिर हमने लिया बच्चों एक और वायर, सेकंड वायर, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया जिससे हमारा सर्किट काफी अच्छा दिखे। अब हम लेते हैं अनदर वायर, इसको हम इधर से ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। एक लेंगे बैटरी, बैटरी हमने यहाँ फिक्स कर दी। तार की शॉर्टेज पड़ी, तार लीजिए, कितना जितना मन चाहे उतना ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने लगा दिया है। उससे पहले हम बच्चों करेंगे क्या, यहीं पर हम स्विच ऐड कर देते हैं अपना, है ना, ऑन ऑफ के लिए जो हमारा स्विच था उसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्विच। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको बल्ब को ग्लो करके दिखाऊं तो मुझे स्विच को करना पड़ेगा ऑन। जैसे मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो हो गया। तो ये तो है बच्चों हमारा बहुत सिंपल सा सर्किट, जिससे हम अपनी टूल किट यानी सर्किट किट को यूज कर सकते हैं किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं किसी भी सर्किट को कंप्लीट करना तो वहां एयर गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, बीच में एयर गैप आया, सर्किट हो जाता है ऑफ। और जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो हर जगह पूरा वायर का कनेक्शन होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बल्ब ग्लो कैसे करा। बेसिकली बच्चों, बल्ब ग्लो करने का कारण होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिकली जो हमारी बैटरी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है और उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराती है, जिसकी वजह से हमारा करंट बनता है। और करंट की डायरेक्शन बच्चों कैसे होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो आपको करंट दिखेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊं यानी वोल्टेज बढ़ाऊं तो क्या होगा, बल्ब ग्लो ज्यादा करेगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है वोल्टेज करंट पर। आपने पढ़ा होगा बच्चों ओम्स लॉ के अंदर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। वही एप्लीकेशन यहाँ यूज हो रही है। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि ज्यादा करंट में हमारा बल्ब ग्लो ना करे, क्योंकि ज्यादा करंट हम नहीं चाहते उसे देना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा सकते हैं कि अगर ज्यादा करंट आएगा तो वहीं सर्किट बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्यूज वायर का हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं बच्चों सबसे पहले एक फ्यूज वायर। ये हमारा फ्यूज वायर। अब देखिए, अभी आप देख सकते हैं फ्यूज वायर नॉर्मली बिहेव कर रहा है जैसे कोई वायर बिहेव करता है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सेल का पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, देखिएगा जैसे ही सेल का मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो देखिए बल्ब ग्लो करता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि 42 वोल्टेज जैसे ही मैंने किया सेल का, तुरंत सर्किट बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो फ्यूज वायर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। जैसे ही इसमें ज्यादा हीट बनने लगती है, तुरंत ये वायर ब्रेक हो जाता है और सर्किट हो जाता है ऑफ। तो जनरली हम फ्यूज वायर अपने घरों में भी लगाते हैं, जहां पर हम चाहते हैं हाई वोल्टेज ना आए तो वहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं फ्यूज वायर। अगर हाई वोल्टेज आता है तो वहां पर वायर हो जाता है फ्यूज और हमारा सर्किट पूरा ऑफ हो जाता है, जिससे बर्निंग सेंसेशन और जो भी ब्लास्ट वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, वो उससे हम बच सकते हैं। अब देखिए मैं आपको रजिस्टर का भी यूज करके बताता हूँ कि रजिस्टर का कैसे यूज करते हैं। फ्यूज वायर में हटा देता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ लगा दिया एक रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर की वजह से भी करंट जा रहा है, क्योंकि करंट बस अब कम हो गया होगा पहले के मुकाबले। यहाँ पर बच्चों मैं आपको रीडिंग्स भी दिखा देता हूँ सबकी। देखिए यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम ही बल्ब के अंदर है रजिस्टेंस, 42 वोल्ट की हमारी बैटरी है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो पहले जितनी फास्ट स्पीड थी उतनी नहीं है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर रजिस्टेंस लगा दिया जिससे स्पीड हो गई है स्लो। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम पेंसिल जो है, अगर हम किसी पेंसिल को कनेक्ट करते हैं, पेंसिल के बीच में बच्चों ये जो ब्लैक आपको दिखता ही होता है ग्रेफाइट, अगर मैं इस पेंसिल को कनेक्ट करूं इस सर्किट में तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी भी देखिए पेंसिल के अंदर से भी बच्चों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो इसके अंदर ग्रेफाइट है उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, वरना ऊपर है इसका वुड का एक इंसुलेटर है ऊपर और अंदर है कंडक्टर, तो उसकी वजह से अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये करंट बन रहा है। बच्चों हमें ये देखना है कि ये जो बल्ब है इसके अंदर कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर।
अब देखिए, मैं यहाँ बल्ब के दोनों एंड पर ये दोनों पिन को ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल पता लग जाएगा कि बल्ब के अंदर बच्चों आ रहा है 27.57 वोल्ट। इतना वोल्ट आ रहा है हमारे बल्ब के अंदर, क्योंकि कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस वगैरह के कारण। अगर बच्चों मैं करंट मेजर करना चाहता हूँ कि कितना करंट आ रहा है, तो देखिए करंट कितना आएगा यहाँ पर बच्चों, जो करंट पहुंच रहा है बल्ब के अंदर वो है 2.76 एम्पियर। तो इस तरीके से बच्चों ये होते हैं हमारे दो डिवाइस, वोल्ट मीटर एंड अमीटर। वोल्ट मीटर से हम मेजर कर सकते हैं वोल्टेज, अमीटर से मेजर कर सकते हैं हम करंट। अब बच्चों बात आती है, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया, चलिए वोल्ट मीटर अमीटर ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन दिख रही है, ये आपको फिजिक्स में कैसे डायग्राम बनाने पड़ते हैं और ये कैसे दिखेगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाऊं इस सर्किट को, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए बच्चों, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। वायर के लिए लाइन यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। बैटरी का सिंबल होता है इसमें दो टर्मिनल, एक स्मॉल एक लार्ज, और ये होता है बल्ब का सिंबल। तो इस तरीके से हमारा सर्किट दिखता है। करंट वही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी तरीके से। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा किसी सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना और सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या टूल किट चाहिए होती है वो सब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों, तो प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी पता कर पाएंगे कैसे हम किसी भी सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सर्किट किट।